हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मेरा नमस्कार और प्रणाम। तो मैं आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हैप्पी करवा चौथ आप लोगों को। तो गाइस, मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि कल मैं मिठाई लाना भूल गई थी। तो मैं मिठाई लेने के लिए जा रही हूँ। अभी यूँ गई यूँ आई, क्योंकि बच्चे घर में ही हैं। बच्चों को मैंने स्कूल नहीं भेजा था, लोगों की थोड़ी तबीयत डाउन भी शुरू रखती है। गुंजन की सिर दर्द हो रही थी, तो मैंने स्कूल नहीं भेजा इनको। और मेरे पास भी आज टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा एक दिन घर ही रह जाओ, कुछ नहीं होता एक दिन से। और मेरी मेहंदी देखिए सूख जाने के बाद कुछ इस तरह की है। मैंने भी लगाई देखिए इस तरह के सूख जाने के बाद। और दूसरे हाथ में दिखाती हूँ, और दूसरे हाथ में ये है सूख जाने के बाद मेरी मेहंदी कितनी अच्छी तरह रच गई है। तो गैस में जाके आती हूँ बाजार, फिर मिलती हूँ आपको मैं घर आके। तब तक बने रहे मेरे ब्लॉग में, और अभी कैसी लग रही है मैं कमेंट में ज़रूर बताना अंकल बाजार। तो गैस में पहुँच चुकी हूँ घर, और मेरा मुँह देखिए ऐसा हो गया है गर्म से पसीने से, और टेम्पो में भी इतनी भीड़ हो रही थी तो ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं हो रहा था आज। मतलब बाजार में भी इतनी भीड़ हो रही थी, मिठाई लाने के लिए लोग आ रहे थे ना, तो मिठाई की दुकान में बहुत भीड़ थी, तो ब्लॉग ही नहीं बना पाई मैं। और दिखाती हूँ कि मैं कौन सी वाली मिठाई लेके आई हूँ। वैसे मैं लाती तो हमेशा जो बच्चों को पसंद आती वही लेके आती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे खा लेते ना उसको, तो वही लेके आई। तो गैस ये रही गुंजन, सुबह से नहाई बाली नहीं बनाए अभी तक। और ये रहा लको, हेलो तो बोल दो, क्या हो गया तुम लोगों को आज। हेलो देखो गैस मैं लाई हूँ, और पैसे ना जितने थे सारे एंड हो गया, कोई भेज दो, मेरा पर्स खाली हो गया है इसमें। ढाल ये रहा मटर, आई लव पनीर, तो ये है पनीर मदर डेरी का है ये। और एप्पल, क्योंकि फ्रूट्स भी नहीं थे ना, तो फ्रूट्स भी लेके आई हूँ मैं मंदिर के लिए। और ये है इनके लिटिल चौको पीस लकू के लिए। और ये है दही, 1 kg का है ये दही रायता बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ककड़ी पड़ा था तो मैंने सोचा कि रायता बना लूँगी। और ये है इनके लिए मैं समोसे लेके आई, मैंने सोचा कि भूख लगती होगी तो इनके लिए समोसे लेके आई। और ये लाई हूँ मैं मंदिर के लिए, मंदिर के लिए मैं ये वाली मिठाई लेके आई हूँ जो मेरी सबसे फेवरेट है, बर्फी। लको देखो खुश हो गया। और मैंने सोचा कि आज अच्छा दिन भी है तो बच्चों के लिए लेके आई हूँ मैं। ये 1/2 kg का वो पाव का है बूंदी के लड्डू। तो थोड़ी देर में मैं मंदिर सजाऊंगी, अभी कुछ नहीं कर रखा है, पूजा पाठ दिन से ही होती है माता रानी की, कड़वा माँ की। तो गैस मैं तैयार होके आ गई हूँ, और मैंने पहन ली है साड़ी, और टाइम भी हो रखा था सुनने का, तो मेरे पास कन्या है, कन्या के हाथ से कथा सुनूंगी मैं। रघुनु गई थी मेरे लड़की छोड़ा कन्या के मुँह से कथा सुनूंगी मैं, और गुनु गई थी मेरा पिछोड़ा लेने के लिए। ये जरूरी है कथा सुनने समय हमारे पहाड़ी में ना, ये जरूरी है, तो इसे ओढ़ूंगी मैं थोड़ी देर में। और यहाँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे करते हैं, जैसे और जगह तो सारी महिलाएं छत पे जाके कहानी पढ़ते हैं कथा पढ़ते हैं, और यहाँ तो पड़ोस भी समझ में नहीं आ रहा कि आएंगे नहीं आएंगे। स्टेज समय तो हो चुका है कथा पढ़ने का, तो मैं अकेली अंदर पढ़ रही हूँ। और तो एक बार कथा पढ़ लेती हूँ, फिर खाने पीने की तैयारी करूँगी, और थोड़ा सा फोटो वोटो रील्स वील्स बनाऊँगी। तो गैस इंस्टाग्राम में देख लेना मेरी रील्स कैसे लगी, वहाँ भी फॉलो जरूर कर देना। तो गैस फिलहाल मैं कथा पढ़ रही हूँ, और आज हस्बैंड जी नहीं आए क्योंकि उनकी छुट्टी थी, और रास्ता भी ख़राब हो रखा था बारिश की वजह से, तो आएंगे दिसंबर में। तो या फोटो देके और या वीडियो कॉलिंग करके व्रत तोड़ूंगी मैं। तो गैस से ओढ़ के अब मैं सुनती हूँ कथा, या फिर मैं कथा सुनती हूँ और आप भी सुनो मेरे साथ। आओ गैस ये रहा मेरा मंदिर, और मैंने
करवा माता का मंदिर अपने मंदिर के ठीक नीचे स्थापित कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि और जगह जगह है नहीं मेरे पास, तो मैंने यहीं पे बनाया है माँ का मंदिर। तो गाइस अब हम सुनने जा रहे हैं कथा करवा माँ की। एक साहूकार के लड़के और लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने कड़वा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्हें अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्थाय देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है। और गाइस अभी समय है शाम का और मैं बना रही हूँ रात का खाना, और एक मच्छर ना आ रखा अंदर, वो मुझे काट रहा है पीठ में, तो मैं बना रही हूँ अभी खाना। और खाने में है रायता, पूरी और खीर और पनीर की सब्जी। यहाँ पे ना खीर मतलब ककड़ी काट के रखी है, पहाड़ी ककड़ी है रायता के लिए, तो मैं रायता बनाऊंगी फिर बनाऊंगी पनीर। एक मच्छर आ रखा है सजमाच यहाँ पे मेरे हाथ में, पैरों में डाले। तो गैस में मिलती आपको मैं थोड़ी देर में। तो गैस रायता बन चुका है मेरा, ये रहा रायता, ककड़ी का रायता है और आटा गूंथ के रखा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे बन रही है मेरी खीर। आज कम को भी बना रखी खीर, ज़्यादा नहीं बनाई है। तो ये अपने आप पकता है और सब्जी बन के तैयार हो गई है, और देखिए लाजवाब मटर पनीर बन के तैयार हो गए यहाँ पे। और मुझे इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करना है, हरा धनिया। और चाँद अभी आया नहीं है, चाँद ना उधर से आता है सामने से, अभी आया नहीं है, थोड़ी देर में आएगा तो यहीं से दिख जाएगा चाँद। गैस खाना मेरा लगभग पूरा बन चुका है, बस पूरियां बनानी बची हैं। पूरियां मैं बनाऊंगी जब चाँद आएगा उसकी पूजा करके, भी थोड़ा सा मैं अपना भी ये जो हुलिया खराब हो रखा ना मेरा उसको सही करती हूँ, मतलब अपना नथ हुआ और टीका विका, और थोड़ा सा मेकअप करती हूँ। मेकअप तो ज़्यादा क्या करती हूँ, बस लिपस्टिक लगाऊंगी मैं, थोड़ा सिंदूर लगाऊंगी और बिंदी है, तो बस इतना ही मेकअप करती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। तो फिर चाँद आएगा इसका पूजा पाठ करूँगी। और ना आज दिन भर मेरी इतनी सर दर्द हुई है, बड़े चाँद आता खाना खाते फिर सो जाते, बाकी एडिटिंग मैं बाद में करती, मतलब ये ब्लॉग ना गाइस थोड़ी लेट में ही आएगी क्योंकि मैं आज एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी रात में, कल एडिटिंग करूँगी, परसों आएगी शायद ब्लॉग, तो नाराज मत होना। तो चलिए फिर मैं भी अपने ये जो मैं नथ लेके आई थी टीली नथ, इसको अपने नाक में सजा लेती हूँ। तो गैस बने रही मेरे ब्लॉग में, और कैसी लगूंगी मैं तैयार होके जब मैं जा रही हूँ व्रत तोड़ने के लिए, मतलब चांद को अर्घ्य देने के लिए। चलो चांद की पूजा करके आते हैं, और आप भी चलिए मेरे साथ, आपको भी दिखाती हूँ। चलो तो गए, चांद आ चुका है, देखिए सामने है चांद, और यहाँ पे मेरी पूजा की थाली, और यहाँ पे रहे दीदी जी, ये इनका लुक देखिए, ये सुबह से भी मिल रहे हैं, और इस साइड को भी है दूसरे किराएदार।
छतों जहाँ तक नजर जाएगी सब छतों में नजर आएंगे। आज देखिए अभी तो कोई नहीं आ रहा, हम ही हम आए शायद या चले गए आधे लोग चले गए होंगे बहुत पहले ही आ गए। और तो से तोड़ी मैं ब्रेथ हाँ। जल ही जीवन है तो गैस करवा चौथ का व्रत भी संपन्न हुआ। अब पूरियां बनानी है फिर प्रसाद चढ़ाना है मंदिर में, तो फटाफट से पूरियां बनाती हूँ और प्रसाद चढ़ाती हूँ। और सबसे पहले तो इनको उतारती हूँ, ये जो पहने हैं ना इनको 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 इसको उतारती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा राहत मिलेगा और मैं अपना ये रूम कपड़े भी चेंज वेंज करती हूँ फिर बनाती हूँ। तो गैस खाना पूरा बन चुका है और वहाँ पे पूरियाँ और गुन्न देखो यहाँ पे लगा रही है खाना। और चाँद देखिए मेरी खिड़की से दिख रहा है, भी दिख रहा होगा देखिए वहाँ पे चाँद छुपा बादल में लेकिन आज छुपा नहीं, आज साफ चाँद आ रखा है। तो ये मंदिर का है, मैं भोग लगा के आती हूँ। ये रहा मंदिर का, ज़्यादा पूजा करनी आती तो नहीं है मुझे, जितनी हो सकती है मैं इतनी करती हूँ। तो हमारे कृष्ण को भी दे दिया गुंजन ने। अब मैं जाती हूँ यहाँ और किचन को देख के रोना आता है। और ये लकू को भी दे दिया, लकू ये तो छोबिरा है, ये अकू ये तो छोबिरा है मेरा बंदर, क्या हुआ बाबू लो खाना खाओ ये देख तो आहा पूरियाँ कितनी आहा पूरियाँ दे दो, सॉफ्ट सॉफ्ट पूरियाँ बनी है ये देखो आ करो ये लोगों का व्रत तोड़ दिया मैंने भी। और ये है मट्ठा, हम दुकान से ले गए हैं, चलो फटाफट खाओ। तो गैस खाना पीना हो गया है और व्रत भी पूरा हो गया। तो ब्लॉगिंग के अंडे में ही तो करते हैं, अगर आज ये ब्लॉग पसंद आते तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें। मैं मिलूंगी जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, अभी बाय बाय गुड नाइट जय हिंद जय देवभूमि उत्तराखंड बाय बाय।